Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें। प्रणाम देवी पार्वती, पधारिए, स्वागत है आपका। बहुत आवेश में हैं आप? आज यहां महादेव की गिरजा नहीं, आदि शक्ति आई है, संपूर्ण जगत की माता आई है। आज प्रथम बार ये जगत माता विवश है। आज मैं यहां आपसे ये जानने आई हूं कि विश्व जिसे महासती महान देवी के रूप में जानती है, क्या उनका समाज के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति कोई दायित्व नहीं है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आज सकल ब्रह्मांड पर भयानक कष्ट आया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी पार्वती? सत्य कह रही हूँ ऋषिवर। त्रिदेव की अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से असुरों ने उत्पात मचा रखा है और आज इन्होंने स्वर्ग में गुप्त रखे अमृत कोश को प्राप्त करने का प्रयास किया है। अमृत कोश को? जी ऋषिवर। और आप जानते हैं यदि उन्होंने ये अमृत कोश प्राप्त कर लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, और यदि वो उसे प्राप्त ना कर पाए तो वो उसे दूषित करेंगे सदा के लिए, अंधकार और विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। देवी अनुसूया, ये समय हट धर्मिता का नहीं। यदि आपने त्रिदेवों को मुक्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस मोह को त्याग दीजिए, संसार के कल्याण के लिए उन्हें मुक्त कर दीजिए। मेरे अधिकार क्षेत्र में केवल मेरे तप के बल पर त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करना था, जो मैंने किया। परंतु यदि आज वो अपने मूल रूप में लौटेंगे या नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।